आज देशभर में कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में बंद का आह्वान किया है। मध्य प्रदेश समेत देशभर में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर उतरे कांग्रेसी लोगों से बंद में समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। हालांकि व्यापारियों ने बंद में साथ देने से इनकार कर दिया है। वहीं राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोर जबरदस्ती से दुकानें बंद कराई जा रही हैं। इस बीच कांग्रेसी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय की दुकान बंद कराने राजधानी भोपाल के बिट्टन मार्केट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और बंद करने की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने कांग्रेसियों को हटाया। फिलहाल दुकान के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। गौरतलब है कि 6 सितंबर को सवर्णों के भारत बंद के ऐलान पर सीएम शिवराज के बेटे ने भी बंद का समर्थन दिया था। उन्होंने अपनी दुकान नहीं खोली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, भोपाल।